हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेश ग्रीनरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों के आते ही एक पौधा जो अक्सर सूख जाता है वो है स्पाइडर प्लांट। अगर इसके टिप्स और एजेस ब्राउन हो रहे हैं तो उसके तीन कारण हो सकते हैं। या तो आपका पौधा आपने तेज धूप में रखा हुआ है, या फिर पानी की कमी होना, या फिर आपके मौसम में बहुत ज्यादा अधिक गर्मी का होना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में तीन बातें ऐसी शेयर करूंगा जो आपके स्पाइडर प्लांट को बचाने में तो मदद करेगा ही, बल्कि उसको और बेहतर उगने में भी मदद करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर ऑल पे डाल दीजिए, जिससे जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पौधे की धूप के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस पौधे को रोशनी तो बहुत पसंद है, मगर गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट की धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप अवॉइड कीजिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने के लिए। और दूसरा, अगर आपका घर बंद रहता है दोपहर के समय, एयर सर्कुलेशन आपके घर में नहीं रहता, तो आप इसको कभी भी ग्लास विंडो के पास नहीं रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। दूसरा, इसके लिए इम्पोर्टेंट है पानी। आप कोशिश कीजिएगा कि इस पौधे को आप मॉर्निंग में ही पानी दे सके, जिससे कि ये दोपहर की गर्मी को झेल सके। और आपको इसके पॉट के अंदर इतना पानी डालना है कि जिससे कि इसका पानी नीचे पॉट से निकल सके, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सके कि इसकी जड़ों को पूरा पानी मिल गया है। स्पाइडर प्लांट को नमी वाली मिट्टी बहुत पसंद है, तो अगर आप इसके अंदर रेगुलर मिट्टी यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर मॉस यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये कोकोपीट की एक लेयर इसकी मिट्टी के ऊपर कवर कर सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगा और इसके अंदर इसकी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, तीसरी चीज इसके लिए है टेम्परेचर। वैसे स्पाइडर प्लांट के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री का है, मगर दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में जहां पर 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, वहां पर इस पौधे के लिए बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं, ये पौधा मरने लगता है। तो आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां पर एयर सर्कुलेशन बहुत बढ़िया इस पौधे को मिलता रहे। गर्मियों में फरवरी और मार्च के अंदर इस प्लांट के अंदर बहुत छोटे छोटे बेबी पप्स निकलने शुरू होते हैं, और कई बार ये प्लांट जो है फ्लावरिंग भी करता है। तो अगर आपको इनके बेबीज पप को बचाना है तो आपको क्या करना है कि आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं, और या फिर इनके अंदर रेगुलर आप पानी का शॉवर करके आप इनको बचा सकते हैं। आपको इनको प्रोपगेट करने के लिए, देखिए यहाँ पर इनकी ये देखिए ये इनकी रूट्स होती हैं ये, तो आपको इनको कैसे प्रोपगेट करना है, आपको इनको बिना कट किए हुए आप किसी भी गार्डन नॉर्मल सॉइल में इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, और जब आपको दिखे कि इसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, और या फिर आप इनकी पब्स के ऊपर आप रेगुलर इसकी इस तरीके से आप शावर कर सकते हैं, जिससे इनके पब्स बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि इतनी सब केयर करने के बाद भी अगर आपका पौधा सर्वाइव नहीं करता तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप किसी तरीके से इसको 2 महीने इसको सर्वाइव करवा लीजिए। आगे जुलाई के महीने में जब बारिशें शुरू होती हैं तो ये पौधा अपनी रीग्रोथ करनी शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।